कहा विज्ञान की सारी खोज प्रकृति से संबंधित है और यहाँ जो है अध्यात्म इसे एक परम चैतन्य की है खोज, परम चैतन्य की है। विद्युत जो जड़ है, विज्ञान विद्युत खोज करता है, विद्युत जड़ है और इस विद्युत से ही सारे काम जो है करता है। लेकिन दूसरे तरफ समझिए कि चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोहे को आकर्षित कर लेता है। अष्टावक्र जी यहाँ कहते हैं कि भावाभाव अर्थात स्थूल और सूक्ष्म में जितने भी प्रकार के विकार कार्य हैं ये सब माया से ही संबंधित है। आत्मा तो शुद्ध है, चैतन्य है, निर्विकार है आत्मा, यह सब जो है प्रकृति जन कार्य प्रकृति करती। लेकिन यह मनुष्य एक ऐसा अजन्मी है, अजन्मी कि इसका कोई परिचय नहीं है, पुरुष सब परिचय ढूंढता है, मनुष्य का कोई परिचय नहीं है, यह अपना ही परिचय नहीं जानता है। इसे पूछो कि तू अपना परिचय बताओ, इसका अपना ही परिचय मालूम नहीं, लेकिन परिचय बनाने के फेर में रहता है। इसी परिचय से भूलने के लिए कहता है कि मेरे अपने हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सगे हैं, संबंधी हैं, मेरे बहुत नजदीकी हैं, मैं इनके बिना रह नहीं सकता हूँ। आता है ना, यह सब इसका बाहर बाहर है, झूठा है, कोई इसका परिचय नहीं। जब तक से तुम्हारा अपना परिचय अपने नहीं होगा तब तक से और परिचय तुम्हारा कैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम्हारा अपना परिचय होते चला जाएगा वैसे वैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होते जाएगा। जैसे जैसे तुम माया में बाहर संसार में डोलते जाएगा, यह संसार का परिचय है, माया का परिचय है, माया क्षणभंगुर है, निष्ठुर है, एक मिनट में झटक देती है। इसीलिए कबीर साहब कहे हैं कि राना नहीं यह देश भी राना है, यह देश झार झरखंड आग लगे बर जाना है, यह देश दूसरे का है रे बच्चा, यहाँ रहना नहीं है। क्या परिचय बढ़ा रहा है, झार झरखंड देखा है जंगल में, झार झरखंड आग लगता है, धू धू कर जलता है, झार झरखंड के लिए बिराना है, दूसरे का है, तुम्हारा नहीं है। दूसरे के देश में जाता है कि हम रह ले, दूसरे घर में ढूक कर चाहता है हम रह ले, अरे का दिन रहो, अब निकलो भागो, भाड़ा देना पड़ता है। यह जो है माया का घर है, थोड़े दिन के लिए आ गया, इसलिए अपना मत समझो। यह संसार कागज की पुड़िया, आग लगे बर जाना है, आग लगे कागज पुड़िया जल जाती है, नहीं तो बूंद पड़े गल जाना है, यदि पानी भी पड़ेगा तो गल जाए। इसलिए मनुष्य अजन्मी है, इतना अजन्मी फिर भी यहाँ परिचय अपना उपस्थित करना चाहता है। कहते हैं कि जब तक तू अपना परिचय नहीं लेगा कैसे होगा। इसीलिए बात एक के भी समझाने के लिए कहते रहते हैं कि हमारा अपना ना है परिवार, अपना अपने ही रहता है, कोई अपना नहीं है बच्चा। जैसे तुम नदी में नाव पर बैठता है और आपके बैठते ही बहुत लोग नाव में आकर बैठ जाते हैं, बातचीत में अपने हो जाते हैं, लेकिन नाव किनारे लगती है तो सब अपने अपने गंतव्य में चल देता है, कोई आपके साथ नहीं चलता है, देखता है कि सब लोग अपने अपने गंतव्य में चल जाता है, फिर रोता है कि नहीं यह हमारा है, यह हमारा है। इतनी गहरी निद्रा में हम सो गए हैं, रात में सोए सोए सपना देखते रहता है, खूब देखता है ना सपना, खूब गाने में सपना, उस सपने को सत्य समझता है। कोई जगाता है, जो जगा है कहते जगाता है, अरे उठो यार, जो उठो, भजन करो ध्यान करो, क्या सोया है सपने में, लेकिन तुमको सपने में मजा आता है, सपने में भी उसको डांट देता है, खटो चलो मुझे सोने दो। जगाने वाला समय का महापुरुष आता है, गुरु आता है, ठोकता है तुम्हारा के वहाँ, रोज सूर्य आता है, ठोकता है तुम्हारा कारण, जग जाओ, उठो जाओ, तू सपने में रहता है, सोए रहता है, अलसाए रहता है, जगने का नाम नहीं लेता है।